हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट बूटेबल यूएसबी फॉर विंडो 10 विद रफस। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, रफस एक वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम एक यूएसबी को बूटेबल बनाते हैं कोई भी किसी किस्म के ओएस के लिए। जैसे विंडो 10 करनी है अगर आपने एक लैपटॉप में, तो आप रफस के थ्रू उसको बूटेबल बना सकते हैं। आईएसओ इमेज आपको नेट से मिल जाती है। ये सॉफ्टवेयर आपको कैसे मिलेगा मैं आपको ये बताता चलूँ। गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है ऑलरेडी मैंने, आप देख सकते हैं उस पर वेबसाइट भी मैंने खोली हुई है, rufus.ie। इसमें आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं रफस 3.13 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड हो, बहुत छोटी सी फाइल है, फौरन डाउनलोड हो जाती है। मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, इसको रन कर लेंगे। यस, अच्छा जी, सॉफ्टवेयर रन हो चुका है। अब आपको जरूरत है एक यूएसबी की। यूएसबी आप अपने किसी भी यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे। मेरे पास फिलहाल लैपटॉप है तो मैं इसके लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट में इसको प्लग कर रहा हूं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो प्ले का ऑप्शन आ गया लेफ्ट साइड पर, यूएसबी शो हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप जाएंगे और ये सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, उस पाथ पे जाएंगे जहाँ पे आपका ओएस है। मेरे सॉफ्टवेयर्स में जाके आईएसओ के अंदर जाके ये विंडो 10 ओरिजिनल, ये फिलहाल इमेज ले लेते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये इसने यूएसबी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली। अगर ना करे तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपने किसी चीज़ को कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है स्टार्ट। जैसे ही आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक वार्निंग मैसेज आएगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है ऑल डेटा ऑन डिवाइस यूएसबी एफ, जो भी मेरी डिवाइस का नाम है वो आ गया, 16 GB आ गया, विल बी डिस्ट्रॉय, जो भी इसके अंदर डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ओके कर दें इसको। आप देख सकते हैं कि उसने फॉर्मेटिंग शुरू कर दिया और अब फाइल्स कॉपी होना शुरू हो गई हैं यूएसबी में। बहुत छोटी सी वीडियो है पर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी आईटी में आए हैं, उनको नहीं पता होता। मैं भी जब आईटी में आया था तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। टाइम टू टाइम इंसान सीख लेता है, क्योंकि हर आईटी की ज़रूरत है बूटेबल यूएसबी बनाना। प्रोसेस शुरू हो चुका है, बहुत बेसिक सी वीडियो है आज की, और बहुत ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत बेसिक सा है। ये आप घर में भी नॉर्मली, आप जिन लोगों को शौक होता है विंडोज़ वगैरह करने का वो भी यूज़ करते हैं, जो लोग ऑफिसेस वगैरह में होते हैं, जैसे मैं खुद एक आईटी एनवायरनमेंट में जॉब कर रहा हूँ तो मैं भी यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर को, पर ये आना चाहिए। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि अगर आप लोग सर्वर को बनाना चाहें तो सर्वर के लिए भी यही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम। सर्वर से मुराद है मेरा 2016 वगैरह का ISO फाइल आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए। सिर्फ आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और एक यूएसबी की ज़रूरत है, उसके थ्रू आप इसको बूटेबल बना सकते हैं। एक और बात है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों से शेयर करूँ, मेरी इतनी फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं आती है क्योंकि मैं खुद जॉब भी कर रहा हूँ, साथ साथ हम इस यूट्यूब को भी देख रहे हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात आप लोगों को बताई थी कि मैं अकेला पार्ट नहीं हूँ इसका, मेरे साथ पूरी टीम है, हम 3-4 बंदे हैं जो मुस्तकिल काम कर रहे होते हैं। हमारी दूसरे भी बहुत सारे काम हैं, उसके बीच में से हम थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं यूट्यूब के लिए, तो सॉरी भी कह सकता हूँ आप लोगों को इस बात के लिए कि माजरत का खाऊं कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर टाइम दे सकूं। जितना मिलता है थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ कि वह लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन होता है मेरे लिए कि आप चाहते हैं कि भाई मैं ये आप लोगों को चीज़ सिखाऊँ और वो चीज़ मैं खुद जानता हूँ, तो मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊँगा। अच्छा, उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोज़ में आके म्यूज़िक के लिए सुनते हैं ना, मुझे म्यूज़िक खुद बहुत पसंद है असल में, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि कुछ अलग सा और यूनिक सा टच आ जाता है वीडियो में। तो साउंड को थोड़ा तेज़ कर देते हैं।
ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। जैसे ये कंप्लीट होगी, ये जो स्टार्ट का बटन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये अभी डिसेबल है, ये इनेबल हो जाएगा। और अभी आपसे बात करते करते ही कंप्लीट हो गई है ये, यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ पे स्टार्ट का बटन जो है वो इनेबल हो चुका है। आप इसको क्लोज कर देंगे और अपनी यूएसबी को अनप्लग करके जिस भी सिस्टम में लगाना है उसमें लगा के अब बायोस की जो भी बूट की कमांड होती है, F12 होती है, जो भी होती है, आप उसको प्रेस करेंगे और उसके थ्रू जाके इस यूएसबी के थ्रू उसको बूट कर लेंगे। मैं आप लोगों को टेस्ट भी करा देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं लैपटॉप ले लूँ दूसरा। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यूएसबी जो है वो एक एचपी की मशीन में लगाई थी और बूट का बटन प्रेस किया है, तो ये मेन्यू आ गया मेरे पास। इसमें से मैं सेलेक्ट करूँगा यूएसबी को, सेलेक्ट कीजिएगा मुझे जी, एंटर कर दें। अच्छा जी, देखें जैसे कि स्टार्ट हो गई, कोई भी बटन दबा के इसको क्लिक कर दें जी, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके आगे का स्टेप जो है वो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दूसरी वीडियो का, मैंने ऑलरेडी बताए हुए है कि किस तरह से जो है वो ओएस को इंस्टॉल किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि रफर्स के थ्रू हम किस तरह से बूटेबल यूएसबी बनाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।